राज्यव्यापी चक्का जाम के तहत भाकपा माले ने रुपौली में नए कृषि कानून को वापस लेने, बिजली बिल 2020 वापस लेने व धान फसल की खरीद की गारंटी करने के सवाल पर घंटों चक्का जाम किया। जाम का नेतृत्व करते हुए अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला सचिव कामरेड अविनाश पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया तीनों कानून किसान विरोधी है, जिससे किसान तबाह हो जाएगा और असीमित भंडारण करने की छूट से जमाखोरी बढ़ेगी। इसका असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। यह कानून किसानों को गुलाम बनाने वाला है। सरकार इसे वापस ले नहीं तो एक बड़ा आंदोलन होगा। रुपौली से सिटी हलचल के लिए अभिनव आनंद के साथ आशीष कुमार की रिपोर्ट। कपड़ा लेना है, बच्चे को स्कूल का फीस देना है, लेकिन उसको नहीं पूरा है। आज आने पौने भाव में किसान जो है अपना उत्पादन बेच रहे। बिहार सरकार कह रहे हैं कि हम 15 दिसंबर के बाद जो है धान खरीदी करेंगे, लेकिन साल भर पहले जो किसानों ने अपना कॉपरेटिव को धान दिया था उसका आज तक पेमेंट नहीं हो सका। ये हालात है। हमारा मांग है आज के कार्यक्रम से किसानों का धान का क्रय केंद्र अभी हम खोल करके जो सरकारी समर्थन न्यूनतम मूल्य है उस पर खरीद की गारंटी करो, नहीं तो आने वाले समय में हम अनिश्चितकालीन आंदोलन चलाएंगे किसानों के सवाल के लिए। 2000 बिजली बिल वापस करने के सवाल पर आज बिजली बिल देखेंगे। जो आदमी 200 रुपया प्रति माह बिजली बिल देता था, आज उसको जो है 40,000 50,000 10,000 ऐसे बिजली बिल आ रहा है। ये कैसे आ रहा है भाई? ये निजीकरण करने के सवाल पर आप रुपौली में देखेंगे बिजली के कारण यहाँ पर 3-3 मौतें हो चुकी। हमने मांग किया था बिजली पदाधिकारी से ये जो है हाईटेक का जो वायर है इसको हटा अविलंब, लेकिन हटाया नहीं गया। वहाँ मौतें हुई, कोई मुआवजा नहीं मिला। कुछ सपने साकार होते हैं और कुछ सपने खो जाते हैं। हर दिल में एक अपना घर का सपना होता है, जो करते हैं हम साकार। आप कदम तो बढ़ाइए, पनोरमा ग्रुप में आइए। पनोरमा।